हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर प्रायोरी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चल रहा था, ठीक है। उसकी सेकंड वीडियो हम अब बना रहे हैं। एक्चुअली मैंने क्या करा दिया था आपको, डोब्रेनियस ट्राइड करा दिया है ना, न्यूरेंड ऑक्टेव लॉग करा दिया एंड थर्डम हमारा मैं, ठीक है, तीनों करा दिए। तीनों अच्छे से आपने कर लिया, आपको समझ आ गई। अब मेंडलीव के बाद एटॉमिक मास के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मास मेंडलीव के टाइम पे था, एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर हो गया। एटॉमिक नंबर डिस्कवर होने से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता चलते हैं। तो सो ये जो पीरियोडिक टेबल जो मोज़ली ने बनाया ना, इसने एटॉमिक नंबर भी बेस पे बनाया है, ठीक है। एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं पीरियड्स में, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, 5, ये मैंने 20 तक तो आपको अच्छे से क्रैम करवाए हुए है ना। तो अब बेटा हमारी एक और बात आ रही, वहां पर जो मेंडलीव ने किस पे अटक किया था, आइसोटोप्स पे, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पे ने बताया थे, ड्यूटेरियम ट्रिटियम कहाँ रहेंगे, यहाँ पर वो पचड़ा ही खत्म है। एक हाइड्रोजन की पोजीशन का भी पचड़ा था कि कहाँ डाले, एल्कली में डाले और हैलोजन में। मेंडलीव ने कहाँ डाला था, एल्कली में। बवाल खड़ा हुआ कि ये तो डायटॉमिक है, गैस है, इसको तो हैलोजन के साथ होना चाहिए, है ना। तो अगर न्यूलैंड ने हैलोजन के साथ रखा था तभी हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे। तो इसने एक और एक अच्छा काम किया थोड़ा, उसने क्या किया, हाइड्रोजन को एक अलग स्लॉट दे दिया, अलग ब्लॉक बना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन का रखा, उसने एल्कलीज के ऊपर है लेकिन उसने अलग बना दिया, तो इससे खूबसूरती भी बनी रही हमारे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। तो बात वही है, पीरियड उसने वही हॉरिजॉन्टल रो को दिया, पीरियड्स नंबर ऑफ पीरियड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 है। और ये इसी की एक्सटेंशन है, लैंथेनॉइड्स, ये लैंथेनाइड्स है ना, यहाँ से भी ऐसे ही एक्टिनॉइड्स, ये इन्हीं पीरियड्स की एक्सटेंशन है, ठीक है। और आपको बता दूं हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है, जिसमें सबसे कम एलिमेंट होंगे, द शॉर्टेस्ट पीरियड वो कौन सा है, फर्स्ट, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ दो है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट, ठीक है। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सेकेंड क्या हुआ हमारा, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। थर्ड भी हमारा क्या हुआ, सेम है, शॉर्ट। अब फोर्थ में कितने पीरियड्स हैं, सॉरी फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, इज 18, इसको हम लॉन्ग करेंगे। फिफ्थ में कितने हैं, ये भी हमारा लॉन्ग है, 18 ही है। सिक्स में ये हमारे 18 और इनको प्लस करो, इसको प्लस करोगे 32, करो 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. तो बेटा जी, 6 जो हमारा है वो लॉन्गेस्ट, द लॉन्गेस्ट पीरियड। जो हमारा 7 है ना, अभी बेटा एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे हैं तो हम इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। जो भी नई डिस्कवरी हो रही है ना एलिमेंट्स की, हम इसको ये जो 7th पीरियड है इसमें डाले जा रहे हैं, तो ये इसको हम इनकम्प्लीट भी बोल देते हैं। क्लियर हुआ। अब
अल्क्ली, क्या कहते हैं अल्क्ली, क्यों कहते हैं, क्यों दिया है इसको अल्क्ली नाम? इसको अल्क्ली नाम इसलिए दिया है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अल्क्लीज बनाते हैं ये मेटल्स हैं ये सारी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, हल्का सा पानी डालोगे ना ठंडा पानी भी, पोटेशियम प्लस वाटर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम प्लस वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत स्ट्रॉन्ग अल्क्ली बनते हैं। ठीक है, ये अल्कलाइन ये भी बनाते हैं, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ये भी अल्क्लीज बनाते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला जाता है, इनसे कंपैरेटिवली थोड़े से कम रिएक्टिव है, इनको इसलिए बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल क्योंकि ये अर्थ की क्रस्ट में हमें मिल जाते हैं। फाइन, आगे ये हमारे ट्रांजिशनल एलिमेंट्स है, जस्ट लाइक द ब्रिज का काम करते हैं, इनको हम ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, देखना है लिख लो आप। आपको यहाँ से लेके थर्ड ग्रुप से लेके ट्वेल्थ ग्रुप तक नहीं पढ़ना है पीरियोडिक टेबल में, टेंथ क्लास में इसका कुछ नहीं है, ये करने हैं आगे आपने करने हैं बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन, ठीक है, हाइड्रोजन, और वो जो हमारा जीरो ग्रुप, इसको हम जीरो ग्रुप कहते हैं, नोबल गैस कुछ भी कह लो आप, जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं अभी तो चल गया होगा क्योंकि जीरो वैलेंसी है तो हम इसको जीरो ग्रुप कहेंगे, और ये फ्लोरीन क्लोरीन को हम हैलोजन कहते हैं, इज अ हैलोजन ग्रुप, ये क्या करता है एल्कली के साथ मिलके सॉल्ट बनाता है, आप खाते हो ना सोडियम क्लोराइड डेली, सभी बच्चे खाते हैं नमक, ठीक है, वो हमारा यहाँ एल्कली ग्रुप का सोडियम और जो हमारा हैलोजन का जो क्लोरीन, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, बहुत मजेदार है, आगे आगे बस आपको ये पता चल जाएगा ना, सब कुछ क्लियर होने वाला है। अभी मैम ने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोला है, क्या है ये आयनिक कंपाउंड को ही कहते हैं, तो धीरे धीरे पीरियोडिक टेबल अच्छे से आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। आगे हमारे जो ऑक्सीजन है इसको हम चालकोजन भी कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है लेकिन चालकोजन भी कहते हैं, चालकोजन फैमिली, ठीक है, ये चौकी लाइक्स बनाते हैं, और जो हमारी नाइट्रोजन है इसको पिक्ट्रोजन भी कहते हैं, जिस सफोकेशन होती है, थोड़ा सफोकेटिंग होता है जिसकी सफोकेटिंग, देन पॉइजनस, और ये हमारी जो कार्बन, इसको सिंपल कार्बन फैमिली और बोरोन फैमिली, ठीक है, इतना तो नहीं है फिर भी आपकी बुक में, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज पता होना चाहिए, चालकोजन जो नाइट्रोजन फैमिली है थोड़ी पॉइजनस होती है, ठीक है, ये क्लियर हुआ सारा, ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ग्रुप्स के नेम क्या है। अब ध्यान से सुनो, एक और बड़ी मजेदार बात है, ठीक है, एक हल्की सी टिप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या है, उसकी वलेंस जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वलेंस शेल में फर्स्ट जो ग्रुप है कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, वन ग्रुप नंबर वन, कितने नंबर जो इलेक्ट्रॉन नंबर कैरी करता है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, वन। अगर ग्रुप नंबर टू को देखें, ठीक है, सेकंड ग्रुप को देखें, जब ग्रुप नंबर टू को देखें, ये अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करके बैठा है, टू, ठीक है। मैंने बोला अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ दो, इधर आ जाओ बरो, ठीक है, ये 1, 14, 15, ये 1 कैंसिल करते जाओ, क्या करो 1 कैंसिल करते जाओ, इजी वे बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ये अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करके बैठा हुआ है, 3, ये पकड़ो बस 3, ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो वैलेंस, यहां पर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, वन छोड़ दो, वहां पर वैलेंशियल में कितने हैं, 6, वहां पर 7, वो कंप्लीट है हमारा जीरो ग्रुप। अभी उसका ऑक्टेट ग्रुप जो उसका, हाँ, ऑक्टेट और डुप्लेट उसका दोनों ही कंप्लीट है, क्लियर। अब वैलेंशियल से याद आया, हम वैलेंशियल से क्या क्या करते थे, वैलेंशियल से हमें पता चलता था उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, कितने उसने गेन करने हैं, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी से क्या याद आता है, वैलेंसी,
तो अगर हमें अब लय शैल के बारे में पता है तो हमें वलांसी के बारे में पता है, पटना चू। तो अगर हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, हमें नंबर ऑफ कोई भी बता दिया कि हाँ जी मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है, तो आपको पता है वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन तो दो वैलेंसी होती है ना। तो अगर आपको पूछा जाए पीरियोडिक टेबल आपके सामने, वैसे तो वैसे ही आपको वैसे ही याद हो जाने वाले हैं, नाइट्रोजन की बताइए वैलेंसी कितनी है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो वही मैंने बताया है, 8 में से माइनस करो 3, ठीक है। हाँ जी फ्लोरीन की 7, वैलेंस शेल कितने है 7 कैरी करके बैठा हुआ है, तो 1, 8 माइनस है ना। तो ये हो गया हमारे ग्रुप्स के बारे में, मैंने आपको ग्रुप्स की नेम बता दिए। हमें ग्रुप से ग्रुप्स ज्यादा सिग्निफाई करते हैं पीरियड से, ठीक है। पूरे का पूरा ग्रुप, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है। अगर हमें पता चले जैसे एल्क्ली है ना, एल्क्ली अर्थ, ये क्या है, ये ग्रुप्स मेटल शो कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर द मेटलॉइड्स, मैंने रेड रेड लाइन की हुई है, ये सारे मेटलॉइड्स है और ये सारे हमारे मेटलॉइड्स है, और ये बेटा जी जो मेटलॉइड के एक्सट्रीम में पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे, वो क्या है, वो हमारी नॉन मेटल्स हैं। और जो ये हमारे राइट साइड पे हैं एक्सट्रीम में, ये उनको छोड़ दो, जीरो ग्रुप को छोड़ दो, बाकी नॉन मेटल्स हैं और ये हमारी मेटल्स, ठीक है। मेटल्स आपको पता है मेटल्स होते हैं जो डोनेट करते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, जो गेन करते हैं, राइट। तो पीरियोडिक टेबल से कितना कुछ क्लियर हो गया है ना, ये मेटल्स हैं, ये एल्कली है, वो हेलोजन है, वो जीरो ग्रुप है, वो नॉन मेटल्स हैं, ये मेटलॉइड्स हैं, सब कुछ क्लियर, कितना अच्छे तरीके से उसमें सारा बताया हुआ। अब देखो मैं तभी मैं कह रही हूँ ग्रुप्स पीरियड भी का भी अपना सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन फिर भी ग्रुप्स का ज्यादा है थोड़ा सा पीरियड से, लेकिन दोनों मिलकर तो कमाल कर देते हैं, ठीक है। अब हम पीरियड्स के बारे में देखते हैं, पीरियड से हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट पीरियड क्या बताता है, फर्स्ट पीरियड मतलब एलिमेंट के पास, पीरियड नंबर 1 एलिमेंट के पास 1 शेल, पीरियड नंबर 2 एलिमेंट के पास 2 शेल, ठीक है। इसके वो आपको मैंने बताया हुआ के एल एम एन, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, इसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पड़े होते हैं, ये हमारे शेल होते हैं, ठीक है। और अगर 1 पहला पीरियड है, यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो इसमें है नहीं हाइड्रोजन में, ठीक है, तो इसके पास एक ही शेल होगा। उधर हीलियम के पास नंबर 1 पीरियड है, एक शेल ही कैरी करके बैठा हुआ, ठीक है, तो नेचुरली इसके पास भी एक ही शेल होगा हीलियम के पास, क्लियर, ठीक है। पीरियड नंबर 2 कितने शेल, 2 शेल, पीरियड नंबर 3 शेल, पीरियड नंबर 4 शेल, 5 एंड सो ऑन, क्लियर। ग्रुप से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चलता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता चल जाए तो हमें पता चल जाता है इसकी वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी पता चल जाती है हमें, कंबाइनिंग कैपेसिटी पता चल जाती है हमें, पता चल जाता है ये मेटल है नॉन मेटल है क्या है, ठीक है। और दूसरा पीरियड से हमें क्या पता चलता है, पीरियड से हमें नंबर ऑफ शेल्स पता चलते हैं, याद रखना कितना अमेजिंग है। थर्ड पीरियड में कितने शेल होंगे, 3, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे को थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप, थर्ड पीरियड और सेकंड ग्रुप, तो नेचुरली क्या होंगे, थर्ड पीरियड में कितने शेल हैं, के एम, 3 शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल में कितने कंप्लीट होते हैं, 2, 8, और मैंने क्या क्या कहा है, सेकेंड ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप, ठीक है। तो सेकेंड ग्रुप का मतलब क्या है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या बन रहा है, 2H2, एटॉमिक नंबर कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12, एटॉमिक नंबर भी 12, तो ये क्या है, 12 एटॉमिक नंबर, सोचो क्या है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको 20 तक सारे लर्न कराए हुए हैं, पहले 20 एलिमेंट्स, तो दैट वन इज अ मैग्नीशियम। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इतना पीरियड नंबर है, इतना ग्रुप नंबर है, ये एलिमेंट है, ठीक है, और बताइए कौन सा एलिमेंट है, और आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि हमें समझ आ गया है, हमें बहुत मजा आएगा।
अब मेरे से पूछा जाए, अब अगर ग्रुप नंबर 17 एंड पीरियड नंबर फिर सेकेंड ग्रुप नंबर 17 है मेरा, ग्रुप नंबर कितना है 17 और पीरियड कितना है मेरा, पीरियड नंबर कितना है सेकेंड। इट मीन के एंड एफ टू पीरियड्स, ठीक है 17, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, पहला कंप्लीट दूसरे में 7, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, फाइन वैलेंस तो उसकी 1 है, -1 लिख हो जाए 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9, ठीक है तो कौन सा है ये एलिमेंट, बोलो बोलो क्लोरीन, ठीक है आपने वो लर्न किए हुए, क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो 2-3 एलिमेंट्स अपने दिमाग में सोचो और पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर दोनों के में लाओ और एलिमेंट्स आपके सामने होंगे, फाइन क्लियर। ये सारा हो गया हमारा पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छे से उसने बनाया था, बहुत मजा, ये सारे हैवी नेचर्स हैं, इसको हमने नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन पूरा लर्न करने की भी जरूरत नहीं है 10th क्लास, ठीक है CBSE, सिर्फ आपने ये चलो अल्कलीज कर लो, ठीक है अल्कलीज कर लो आप, तो ये इनके नाम नेम कर लो, हैलोजन कर लो, आयोडीन तक सफिशियंट है, ठीक है ये भी सीजियम तक सफिशियंट है, चलो अगला इन्फॉर्मेशन वो जीरो ग्रुप वो भी कर लो सारा का सारा, सारा नहीं करो, जीनोम तक सफिशियंट है, सल्फर तक ही सफिशियंट है, फास्फोरस तक सफिशियंट है, सिलिकॉन तक सफिशियंट है, कार्बन ये एल्यूमिनियम ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मींस की ग्रुप में है, बस कितना है थोड़ा बहुत आपको, बाकी शायद वो जब आप केमिकल रिएक्शन करो तो हाँ हम कॉपर की जिंक की आयरन की भी करें, ठीक है केमिकल रिएक्शन में होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस में बहुत रहता है ये कॉपर आयरन ये जिंक, इनको हम करेंगे लेकिन पीरियोडिक टेबल में नहीं है आपके इतना, पीरियोडिक टेबल में जितना मैंने कराया है उतना ही है, और बड़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं पीरियोडिक टेबल में। एक और चीज बता दूंगी आपको, जैसे देखो ये आखिरी मेथड है, जैसे हम ग्रुप्स के नीचे जा रहे हैं, ठीक है हाइड्रोजन साइज एटॉमिक साइज, हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज है ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन पड़े न्यूक्लियस है, ठीक है हाइड्रोजन का एटॉमिक एक शेल है, आगे सोडियम है आ गया हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये और एक इसका और शेल बन गया, आगे हमारा पोटेशियम आ गया ये और एक सॉरी ये लिथियम, ये हमारा है हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये हमारा सोडियम और ये है हमारा पोटेशियम। तो जो जो हम नीचे जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे, एटॉमिक साइज जो प्रोटोन का चार्ज होगा वही न्यूक्लियस का चार्ज होगा वो भी बढ़ रहा है, ठीक है लेकिन जो हमारे शेल है वो दायरा ज्यादा है, और अगली क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होती है उसके कारण भी वो थोड़ा सा लूज हो जाते हैं, रिपेल करते हैं सेम लाइक चार्ज जो होते हैं रिपेल ईच अदर और वो थोड़ा सा उनका दायरा ज्यादा हो जाता है तभी एटॉमिक साइज न्यूक्लियस से लेके अपने वैलेंस शेल तक वो एटॉमिक साइज होता है यहाँ से लेके फाइन क्लियर हुआ। एक और चीज बताना चाहूंगी आपको समझ आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, देखो यहाँ पर लिथियम सोडियम पोटेशियम को लेके बताना चाहिए, लिथियम का न्यूक्लियस इस शेल के थोड़ा पास है, हाँ ये फर्स्ट है जो के बता रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये के है ये एल है ये के एल एम, ठीक है और सबके पीछे पीछे लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस किसका करीब है सेकंड शेल का न्यूक्लियस करीब है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 बुक्स पकड़ी,
ये मैंने ये टू बुक्स सॉरी नोटबुक है मेरे पास, ये मैंने पकड़ी हुई है और इस टू ही है मेरे पास, मैंने इनको जकड़ के पकड़ा हुआ। इसमें कोई मेरे से छीनेगा तो शायद मैं मुश्किल से दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक और नोटबुक आ जाती है, ठीक है, ये अब कोई मेरे से छीनेगा, स्ट्रेंथ तो मेरी सेम है ना, ठीक है, स्ट्रेंथ मेरी सेम, चलो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है चाहे, लेकिन मैंने फिर इसको पकड़ी एक शेयर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये छीनी जाएगी मेरे से जल्दी, क्योंकि ये थर्ड शेल है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस के पास है, जो मेरी ग्रिप में मेरे पास है, ये दो बुक्स थी, इनको छीनना मुश्किल था, लेकिन अगर थर्ड रखोगे तो दो के कंपैरेटिवली वो लास्ट तीसरी वाली को छीनना इजी होगा। ऐसी अगर कोई चौथी होगी, वो अगर यहां पर कोई चौथी किताब होगी ये, ठीक है, इसको छीनना इस तीसरी से भी इजी होगा। समझ लगी? अगर मेरे पास टू बुक्स थी, उनको छीनना मुश्किल है, यूं ही तीसरी आती है तो तीसरी को पहले से इजीली छीना जाता है। अगर चौथी भी मैं समेट लूं तो चौथी को सबसे इजीली छीना जाएगा। कहने का मतलब है, यूं जो वो नीचे न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उनसे आराम से छीने जाते हैं। जब वो आराम से डोनेट कर देते हैं, कोई आता है हल्का सा भी फोर्स लगाता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं उनके, ठीक है। सो लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो सोडियम इजीली डोनेट कर देगा लिथियम से, क्योंकि उसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर है और न्यूक्लियस का काम क्या है, उसको जकड़े रखना, ठीक है। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, जैसे हमें अर्थ जकड़े रखती, वैसे वो इलेक्ट्रॉन उनके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसका फोर्स इस शेल पे कम लग रहा है। अगर हम पोटेशियम को लें तो के हो गया हमारा, एल हो गया हमारा, एम हो गया, दिस इज एम, तो पोटेशियम तो और लो तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन और इजीली छिन जाएगा। इट मीन पोटेशियम बड़ी इजीली डोनेट करेगा, तो फिर इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पोटेशियम, क्योंकि उसने डोनेट कर देना इजीली, वो दूर पड़ी हुई उसकी कोई बुक, उसको छीन लिया गया है, दूर पड़ा है इलेक्ट्रॉन, वो जोर तो पीछे से लगा रहा है न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस से वो शेयर दूर है, तो दैट्स व्हाई वो रिएक्टिव ज्यादा है, दैट्स व्हाई वो रिएक्टिव ज्यादा है। अगर हम वही नॉन मैटर की बात करते हैं, ध्यान में रखना ये बात, अगर हम फ्लोरीन एंड क्लोरीन की मैं बात करती हूँ, ठीक है, फ्लोरीन के दो शेल है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड पीरियड है फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन है, ओनली टू शेल्स आर देयर। क्लोरीन का थर्ड पीरियड है तो कितने शेल्स होंगे, थ्री शेल। इन्होंने क्या करना है, इधर फ्लोरीन के पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेवन। लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन को छीनना है, ठीक है, अब मेरे को छीनना है, तो अगर मैं थोड़ी फ्री हुई हूँ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी अगर कैरी किया होगा तो किसी से छीनना मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, अगर एक बुक कैरी की हुई है देन ओके दूसरी बुक, लेकिन आगे अगर मैंने तीन तीन बुक्स पकड़ी हुई है तो मेरे को छीनने के लिए मुश्किल होगी, तो सो फ्लोरीन झट से किसी का एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा फटाफट, क्योंकि उसका न्यूक्लियस उसके पास है, तो क्लोरीन उसको गेन कर लेगा एज कंपेरेटिवली क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट शेल से उसका न्यूक्लियस थोड़ा दूर बैठा हुआ है। चाहे क्लोरीन के न्यूक्लियस का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है फ्लोरीन से, उसका ज्यादा है, लेकिन एक पूरा शेल बढ़ गया है और वो थोड़ी रिपल्शन के कारण उसका साइज ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, और यहां पर ज्यादा रिएक्टिव कौन था हमारा, पोटेशियम। ये बात याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मैंने बुक्स का भी एग्जांपल लिया है, आप कोई भी दूसरा कुछ भी रेलेवेंट एग्जांपल ले लो, ठीक है। जियो जियो हम ऊपर से, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है।
ठीक है, मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स को क्या करना होता है, गेन करना होता है, तो उनका न्यूक्लियस फास्ट चाहिए। तो क्लोरीन के कंपैरेटिवली कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ, हमारा क्लोरीन। ठीक है, और भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, बताने को मन कर रहा है, शायद आपके सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, वो है कि जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज होती जाती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं है, अगर बर्डन नहीं डाला तो छोड़ो, यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म हो गया। वैसे मैं बता रही हूँ, अफिनिटी का मतलब होता है अफेक्शन, अफेक्शन विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको एक तो फैक्शन बेचारों को है ही, वो तो चाहते हैं कि हम अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर लें तो निकल, कोई मोह नहीं है इनको, कहते निकल। तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हुई जाती है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स की कितनी एनर्जी चाहिए आपको, तो नेचुरली सबसे कम एनर्जी वो पहले ही लूज करने को तैयार है कि कर लो कर लो, तो सबसे कम एनर्जी पोटेशियम को चाहिए। ठीक है, तो इसको कम, फिर इसको उससे भी कम, तो पोटेशियम चीजों हम नीचे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यूं हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएगी। उसका रीजन ये है कि उनका, अब मैंने एक और एक चीज रहेगी हमारी, मैंने ये तो बता दिया था ऊपर से नीचे आने से हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज जो है चाहे वो बढ़ता है, लेकिन शेल बढ़ रहा है इसलिए साइज बढ़ रहा है, मैंने लेफ्ट टू राइट नहीं बताया, ये रह गया हमारा, ये कर लो। अच्छा, वो याद आ गया, लेफ्ट टू राइट विद अ फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम एंड बैरियम, और नहीं ये ले लेते हैं सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, बड़े हैं थोड़े अच्छे से समझ आएगा। सोडियम का ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें पड़े हुए उसके पे दो इलेक्ट्रॉन्स, फिर एच, और लास्ट में कितना बनेगा उसका, वन। ठीक है, ये हमारा है सोडियम का साइज। दूसरा मैं ले रही हूँ मैग्नीशियम, ये उस मैग्नीशियम के न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ये उसका पहला शेल, ये उसका दूसरा शेल, ये उसका तीसरा शेल, लास्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इधर है हमारा एल्युमिनियम, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पहला शेल दूसरा शेल, मैंने क्या किया, चीजों में लेफ्ट टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ, तो मेरा साइज क्या हो रहा है, एलिमेंट का डिक्रीज हो रहा है। क्यों, इसमें शेल नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जरूर बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बीच में बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियस भी बढ़ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियस, लेकिन शेल वही है, मैग्नीट्यूड तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो उसने और जकड़ के पकड़ लिया। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल दो ही बुक्स पकड़नी है, ठीक है दो बुक्स पकड़नी है, मान लो उसमें पन्ने दो तीन ज्यादा है, ठीक है पकड़नी दो बुक्स है, एक में थोड़े से दो तीन पन्ने हैं, लेकिन एक पतला बंदा पकड़ता है, एक काफी हेल्दी बंदा पकड़ता है, एक थोड़ा सा वीक, पतला नहीं कहते, थोड़ा वीक पकड़ता है, एक हेल्दी पकड़ता है, तो नेचुरली कौन सा अच्छे से जकड़ के पकड़ेगा, जिसका जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो उसने उसको जकड़ के पकड़ा होगा, तो नेचुरली वो जब आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज श्रिंक 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 होता जाएगा। ठीक है, ये रह गया था हमारा, ये है आपके सिलेबस में। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है साइज इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी इंक्रीज होती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियस, जो उसका चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको इलेक्ट्रॉन्स खींचने की भी ताकत बढ़ जाती है जैसे जैसे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो वो भी हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस के
स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा है और उसके पास है, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं उससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने हैं, तो अगर किसी हेल्दी बंदी ने पकड़ा है उसे बुक छीननी है तो मुश्किल होगी, उसको हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए। नहीं, अगर नहीं समझ आ रहा आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, छोड़, ठीक है, ये आईसीएसई के सिलेबस में, अगर आप सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में बस इतना है, साइज कितना है, ऐसे बढ़ रहा है कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, वो रिएक्टिविटी का भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, शायद वो भी आपके सिलेबस में है, पता नहीं कि नहीं देख रहे ना। और बाकी तो ये बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल है, मेटल्स की आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, आप मेटल्स पढ़ोगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अल्केलीज पढ़े हो, ठीक है, अल्कली अर्थ मेटल, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या, ये सॉलिड होते हैं, ये लस्टर होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मालेबल होते हैं, ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे सारे, उधर क्या है, वो डायटॉमिक है, ये जो हमारे हैलोजन हैं, गैसेज होते हैं, ठीक है, तो मोस्टली सम काइंड कलरलेस और कलरफुल, और इधर ये जो हमारे जीरो ग्रुप है इनका नॉक्टक पूरा है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल होती हैं और मोनोटॉमिक होती हैं। मोनोटॉमिक का मतलब है कि जैसे H2 होता है डायटॉमिक, H2 दिस इज अ ये होता है डायटॉमिक, H2 Cl2 I2 दीज आर द डायटॉमिक, क्योंकि टू लगे दो एटम मिलके, ठीक है, डायटॉमिक, और ये हमारा ओजोन 3 बन के मिले हुए हैं, ठीक है, डायटॉमिक, और जो हमारे जैसे हीलियम है ये हमारे मोनोटॉमिक ही है, न्यून है हमारा सोडियम ही, ठीक है, मोनोटॉमिक ही, तो इनको जो एक ही इसकी जो हमें मिलते हैं नेचर में जैसे, तो वो हमें मोनोटॉमिक मिलते हैं और ये हमें जो डायटॉमिक मिलते हैं। क्लियर हो गया, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। और इन पीरियोडिक टेबल मोजली ने तो केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दी, केमिस्ट्री का सब कुछ क्लियर है, अगर केमिस्ट्री का किंग बनना है, अगर केमिस्ट्री का बादशाह बनना है तो पीरियोडिक टेबल आना बहुत जरूरी है, और पीरियोडिक टेबल आ गया केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत। अब देखना, अब हम करेंगे जब भी मेटल नॉन मेटल एसी बेस इलेक्ट्रोलाइसिस सब क्लियर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। देन मॉजली ने रेवोल्यूशन ला दी केमिस्ट्री वर्ल्ड में, ये अपना पीरियोडिक टेबल बना के, ठीक है, इसने बेस बनाया हमारे एटॉमिक नंबर को, इसकी अचीवमेंट्स ये थी, हाइड्रोजन को उसने अलग रखा, ठीक है, साइंटिस्ट ना बोल पाए, इसके ओपोनेंट्स ना बोल पाए, अलग रखा, एल्कली के साथ रखा, बता भी दिया कि हाँ ये नॉन मेटल है, ठीक है, ज़्यादा उससे ज़्यादा मिलता है। दूसरा, इसने हमें जो इसलिए भी हमें सारा पीरियोडिक टेबल से कैसे सारा क्लियर हो जाता है कि इधर एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या पड़े हुए हैं हमारे मेटल्स, और मेटलॉइड्स के एक्सट्रीम जो जीरो ग्रुप को छोड़ दो वो हमारे नॉन मेटल्स पड़े हुए हैं। साइज का भी मैंने बता दिया है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज होता है, रीजन बता चुकी हूँ, शायद इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, तो सब कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर। अब केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है ना, अब हमें ग्रुप और पीरियड्स बताए, हम प्रोडक्टिव एलिमेंट्स निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन भी हमारी टिप्स पे है, एटॉमिक नंबर भी हमारी टिप्स पे है, 20 एलिमेंट्स भी हमें अच्छे से लर्न है, मैम ने ये भी बता दिया कितना कितना लर्न करना है, और एक्सरसाइज खुद करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेश्चन है बड़ी इंटरेस्टिंग है, यही पूछा जाएगा जी हाँ जी पोटाशियम सोडियम में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर देगा, हाँ जी कौन सा इतना पीरियड इतना ग्रुप है, ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज, जरा पढ़ना, यूँ यूँ क्वेश्चंस निकलेंगे, जो एक्टिविटीज़ है वो भी करो, एक्सरसाइज है वो भी करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कहीं भी तो कमेंट सेक्शन है ना, उस पर लिखिए, और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, करोगे तो साइंस की वीडियोज़ और भी देंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर यहीं पर फिनिश होता, ठीक है, हम सबको अच्छे से आना चाहिए, आएगा भी, ठीक है, और ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।